जो सुपर नेचुरल पावर सर दिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोतल है, मैं दूर हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मैं ऐसे बस थ्रो करूँगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे बहुत सारे कागज है, ठीक है। क्या पसंद है सर आपको? कागज देख के क्या याद आ रहा है, मतलब क्या किया जा सकता है? कागज जो खास बना दे वही नोट पैसा रुपया पैसा पैसा जो सभी को पसंद है। मेरे को क्या, सबको पसंद है। देखिएगा 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 और देखिएगा, चेक कीजिए ना, असली है, असली है दोस्तों। तो पिक्चर है, पिक्चर है, इसको हमने रख दिया है। और यहाँ पे चाबी है, मैं चाहता हूँ दिखाएंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको चाबी दिखाई। देख सकते हो दोस्तों ये चाबी है, ठीक है। और पिक्चर था दोस्तों मात्र एक ताला का। आप अपना हाथ ऐसे की सामने रखिए, ठीक है, और मैं अपना सामने हाथ रख दे रहा हूँ, थोड़ा क्लोज करके दिखाएंगे। पास लेके आइए और मैं इस पर बस माइंड पावर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए चाबी घूम रहा है दोस्तों, और ये चाबी घूम गया, और चाबी घूमने से पता है क्या हो गया? क्या हो गया, तस्वीर निकाल के दिखाएंगे। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम अभी हैं पटना में, पटना में दोस्तों हम क्यों हैं, आए हैं दोस्तों एक यहाँ पे सर है जो काफी बढ़िया जादू दिखाते हैं। आइए उनसे जादू देखते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि जितना भी पर्ची जो बाबा लोग निकालते हैं उनको डायरेक्ट चैलेंज देते हुए पर्ची, जिस तरह से जो लोग पर्ची निकालते हैं उन्हीं तरीके से ये भी पर्ची निकालते हैं। और ये साफ खुलासा करते हैं कि पर्ची निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ दोस्तों एक ट्रिक है, जो ट्रिक के माध्यम से दोस्तों सभी लोग जो है पर्ची निकालते हैं। और ये दोस्तों अफवाह फैला हुआ है कि ये बड़ा कोई शक्ति है, जिसमें दोस्तों मैं बता दूँ, क्या ही बताऊँ दोस्तों, आपको पता ही है कि कितने सारे लोग हैं जो पर्ची निकालते हैं। आइए सर से कुछ बातें करते हैं और उनसे जो पर्ची निकलवाते हैं और बहुत सारा ट्रिक है जादू दिखाते हैं, आइए उनसे जादू देखते हैं। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। तो कैसे कैसे आप जादू, कैसा कैसा आप जादू दिखाते हैं? मैं सब प्रकार के मैजिक करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मैजिक में जितनी भी कैटेगरी है मैं सब करता हूँ। अच्छा, आप सुने क्या, आप पर्ची भी निकालते हैं? हाँ, मैं आपको वो मन की बात है जो मैं मन में, जो भी मेरा मन में होता है वो पर्ची आप में लिख के बता देते हैं, जैसे कि बागेश्वर बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है करते हैं, तो अब डायरेक्ट उनको मतलब ये कह दे रहे हैं कि वो चैलेंज कर दे रहे हैं कि मतलब ये ट्रिक है, कोई जादू और कोई बड़ा शक्ति इसके पीछे नहीं है। देखिए लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति पर्ची पे लिख दे रहा है इससे आपके दुखों का समाधान नहीं होगा, इस बात को समझिए। आप अपने मन की बात जान रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दुख जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं। आपके मन की बात किसी भी माध्यम से, हम कुछ कर्म नहीं करेंगे तो मेरा परिवर्तन कहाँ से होगा? आपके मन की बात किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति जान गया तो उसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके जीवन का अपना हिसाब किताब, अपना कर्मा, अपना आपको करना है, ठीक करना है। पर्ची पर पर्ची देखिए, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, एक कागज है और एक पेंसिल है, कोई एक दो नंबर आप सोचिएगा मन में, सोच लिए, पेंसिल पकड़िएगा। आपने मुझे बताया तो नहीं है पहले कहीं, हम लोग सेटिंग वेटिंग तो नहीं, 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 नहीं। बहुत लोग बोलते हैं या पत्रकार या मिला, नहीं नहीं नहीं, ये लाइव प्रूफ चल रहा है यहाँ पे, लाइव चल रहा है, हमने लिख दिया है, ठीक ना। और हमने क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन कैमरा, आप बताइए क्यों, कौन सा नंबर आप सोच रहे थे? दोस्तों मैं बता दूँ कि दोस्तों मैं अपने मन में दोस्तों 6 दोस्तों 6 नंबर डिजिट है मैं वो सोच रहा हूँ। 6 नंबर, राइट? यस। और मैंने इस पे ऑलरेडी कुछ लिख के रखा है, ठीक है, अब दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा पर्ची जो दोस्तों निकल चुका है, 6 नंबर दोस्तों, सोच सकते भी हैं, सर हैं, देख सकते हैं यहाँ बाबा, सॉरी सर जो है लिख दिए हैं, अभी बाबा बाबा करने लग गए हैं। तो क्या करें, इतना जो है मतलब चारों तरफ यही चल रहा है ना। किसी का नाम सोचिएगा आप, कोई कोई भी निक नेम सोचिए, ज्यादा लंबा नहीं, निक नेम, किसी का नाम सोचिएगा, 4-5 अक्षर, क्या किसी का नाम आ रहा है, नाम, किसी व्यक्ति का नाम सोचिए, सेलिब्रिटी का नाम सोच लेते हैं, नहीं ना, किसी दोस्त मुहिम घर में या किसी का नाम सोचिए ना, किसी का भी, सेलिब्रिटी का सोच रहे हैं, निक नेम सोचिए। अच्छा निक नेम, 4-5 अक्षर का सोचिए, छोटा नाम, फुल नेम नहीं, निक नेम, हाँ निक नेम सोचिए, इतना टाइम लग रहा है सोचने में, सोचिए कोई एक नाम सोचना है, कोई भी, अच्छा ठीक है सोच लिया, ठीक है, नहीं तो एटीएम का पिन नंबर सोच लीजिए, टाइम लग रहा था।
जो सोचना है बताइए। एटीएम का पिन नंबर सोच रहा है या नाम सोच रहा है? मैं नाम ही सोच रहा हूँ। चार पांच अक्षर है। है। पेंसिल पकड़िएगा। चलिए हमने इस पे कार्ड पे लिख दिया है। ऑन कैमरा हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको बोलिए कि कौन सा नाम है वो। मैं दोस्तों बता दूं कि वो नाम है दोस्तों अशोक, जो मैंने सोचा है। अशोक कौन है? मेरा दोस्त है। अशोक आपका दोस्त है। और हमने पहले से कुछ लिख के रखा है। जितने भी बाबा या जितने भी मार्केट में लोग हैं वो दावा करते हैं कि मन की बात पढ़ते हैं। मैं भी मन की बात पढ़ता हूँ। मैंने नंबर बताया, आपने एक व्यक्ति का नाम सोचा, हमने पहले से ही लिख के रखा था पर्ची पे। ठीक है, अब दिखाइए क्या कहिएगा इसको। दिखाइए, देख सकते हैं। दिखाइए, पकड़ी ना, दिखाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो जस्ट दोस्तों वही नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सर जो लिख दिए हैं अशोक, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जितने भी दर्शक हैं इधर लाइए, आपको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति नाम नंबर प्रश्न सोच रहा है मैं कागज पे लिख देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आर्ट है, कलाकारी है। मैं ये दावा, या कोई जादू या कोई शक्ति नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई शक्ति नहीं। जादू तो है ही, जादू तो कलाकारी है, कोई शक्ति नहीं है। और कोई ऐसा व्यक्ति दावा करता है कि मैंने लिख दिया, अब क्या होगा? हम आपसे ठग ले पैसा? आप अपना दुखड़ा बताइए, हम पर्ची पे लिख देते हैं, कहेंगे हवन कराइए, इधर 20,000 रुपया दीजिए, 50,000 दीजिए। ऐसे बेवकूफ़ में, मतलब ऐसे चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़िए। ठीक ना, जीवन में दुख आया है, मुझे पता है, दुख की घड़ियाँ में सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारे के लिए आप मंदिर जाइए, ध्यान करिए, भगवान का पूजन करिए, किसी ऐसे बाबा और पर्ची वाले के चक्कर में ना रहिएगा। ठीक ना, ये सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करेंगे। और कुछ दिखाइए हमारे पब्लिक को। मैं यहाँ पे बहुत सारे कागज है। ठीक है, क्या पसंद है सर आपको? कागज देख के क्या याद आ रहा है, मतलब क्या किया जा सकता है? कागज जो खास बना दे वही नोट, पैसा, रुपया, पैसा जो सभी को पसंद है। मेरे को क्या, सबको पसंद है। देखिएगा, 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 और देखिएगा, चेक कीजिए ना, असली है, असली है दोस्तों, लाइव प्रूफ। 100 का नोट देख सकते हैं दोस्तों, लाइव प्रूफ आप यहाँ पे दिख रहे हैं। जो अभी कागज था दोस्तों, यही है दोस्तों आर्ट, जादू, जिसे हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सर। और भी कुछ जादू है जो हमारे पब्लिक को? मैं आपको सुपर नेचुरल पावर दिखा रहा हूँ। वहाँ पे क्या रखा हुआ है? देखिए दोस्तों, वहाँ पे बोतल एक रखा हुआ है जो सुपर नेचुरल पावर सर दिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोतल है, मैं दूर हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और मैं ऐसे बस थ्रो करूँगा। ठीक है, 1 2 3 और ये बोतल गिर, देख सकते हैं दोस्तों, तो बोतल गिर चुका है यहाँ पे। तो मैं बोतल गिराना, नींबू उड़ाना, लोटा उड़ाना, नींबू भी उड़ा देते हैं। हाँ, जो लोटा भी उड़ा देते हैं जो तांत्रिक करते हैं, तांत्रिक बेसिकली जादूगरों से ही सीख के जाते हैं। अरे वाह, तो ऐसा लोग अब यही सब चीजें चैलेंज कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सबको चैलेंज करता हूँ। ये सारी चीजें जो है ना, अब लोग क्या करेंगे, गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे, ढोंग करेंगे कि मैंने सिद्धियां प्राप्त की है, जादू मेरे पास, तंत्र मंत्र विद्या है, ये सिद्धियां। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 10 सालों से मैं खुद ध्यान में हूँ। ध्यान मेडिटेशन करने से सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर परिवर्तन आता है। आप हवा में उड़ने नहीं लगते हैं ध्यान करके। ठीक ना, तो इन सब पाखंडों से बचिए और समाज को बचाइए, अपने पैसे बचाइए। ऐसे जितने भी बाबा तबा हैं इनके चक्कर में ना पड़े। असली गुरु को कैसे पहचाने, मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो लोग चमत्कार दिखा रहे हैं समझिए वो ठग है। जो असली गुरु और संत होगा ना हमारे हिंदू समाज में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देगा, प्रेम देगा, ध्यान सिखाएगा, ठीक ना, भक्ति भजन सिखाएगा। चमत्कार दिखा दिया जहाँ व्यक्ति, और कहा कि हमने सिद्धियाँ प्राप्त की है, मैं चमत्कारी व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर फलाने देवता की, इस देवता की कृपा है, वो व्यक्ति ठग है, चोर है, वो आपको बड़गला रहा है। ठीक है, और भी कुछ दिखाइए हमारे पब्लिक को, जो है जो लोग को विश्वास, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, उन लोग को बताइए कुछ और। देखिए, अंधभक्त तो अंधभक्त है, विश्वास इसलिए नहीं होता है ना कि लोग जो है ना मैक्सिमम आबादी अशिक्षित रेखा में है, गरीबी रेखा में है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सब चीज़ का नॉलेज नहीं है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सनातन धर्म को पता ही नहीं, सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है, पता ही नहीं। अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे हैं, बस जय श्री राम कर दो। ठीक ना, धर्म पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, अष्टावक्र पढ़िए, पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, वेदांत पढ़िए, जो भी चीज़ें हैं, उपनिषद पढ़िए,
तंत्र पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हमारा धर्म क्या कहता है, ठीक ना। चलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, कागज निकालिए ना, एक तस्वीर है, दिखाइए ना क्या है, क्या है तस्वीर में, लॉक का पिक्चर है, लॉक है, पिक्चर है, इसको हमने रख दिया है। और यहाँ पे चाबी है, मैं चाहता हूँ दिखाएंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको चाबी दिखाई, देख सकते हो दोस्तों ये चाबी है, ठीक है। और वो पिक्चर था दोस्तों मात्र एक ताला का। आप अपना हाथ ऐसे की सामने रखिए, ठीक है, और मैं अपना सामने हाथ रख दे रहा हूँ, थोड़ा क्लोज करके दिखाएंगे, पास लेके आइए, और मैं इस पर बस माइंड पावर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए चाबी घूम रहा है दोस्तों, और ये चाबी घूम गया, और चाबी घूमने से पता है क्या हो गया, क्या हो गया, तस्वीर निकाल के दिखाएंगे, देख सकते हो दोस्तों ताला खुल गया है। ये पिक्चर दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि पिक्चर था, ये ताला खुल चुका है, ये पॉसिबल है। मैं भी दोस्तों आश्चर्य हूँ, चकित हूँ, देख सकते हैं दोस्तों मैंने भी देखा था ये ताला बंद था दोस्तों, पिक्चर है दोस्तों, ये रियलिटी नहीं है, पिक्चर है ये दोस्तों, मैं बता दूँ दोस्तों जादू यही है दोस्तों, ये खुल चुका है। आइए जो लोग मेरे से संपर्क करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आएंगे, मैजिशियन आर एंजल सर्च करेंगे, प्लीज मैजिशियन आर एंजल, मैं कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ, बहुत लोग परेशान करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पहले मैंने दिया है दो चार मीडिया में, उसके बाद मैं नहीं देता हूँ, बहुत फ़ोन आते हैं मेरे पास। चलिए मैं एक और मज़ेदार चीज़ दिखा रहा हूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। सो मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेइंग कार्ड्स, इसको चाहे तो मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमने ये ऐसे मिक्स कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक तास के पत्ते आप निकालेंगे, सबको दिखाएंगे, मुझे नहीं दिखाएंगे, ऑन कैमरे में दिखाएंगे, क्लोज कर लेंगे आप लोग जूम करके, नहीं मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है। ओके, आपका कार्ड हमने कहीं बीच में रख दिया है, ठीक है, अपना हाथ दीजिएगा सामने, ठीक है, और ये इसके ऊपर हमने दूसरा हाथ रख दिया, ठीक है। अभी मैं आपका कार्ड एक सेकंड में निकालूंगा, मैंने ऐसे किया और ये आपका कार्ड निकल गया, नहीं निकला, ये आपका कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके निकालेंगे तो कोई ना कोई निकल जाएगा, बट क्या करते हैं सारे कार्ड गायब कर देते हैं सिर्फ आपका कार्ड छोड़ के, 1 2 3, ये सिर्फ आपका कार्ड है और ये सारे कार्ड गायब भाई दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड हमारा गायब हो चुका है, हम भी चकित हो जाए गए हैं, पर क्या ही बताएं। तो ये है मैजिक, बताइए और क्या बताएं, और कुछ है जो, हाँ और भी दिखाइए, यहाँ पे दो सिक्का आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे दो सिक्का है, हाँ अपना हाथ लाइएगा सामने, मैक्सिकन कॉइन है, अमेरिकन हाफ डॉलर है, ठीक है, मैक्सिकन और अमेरिकन हाफ डॉलर, मैक्सिकन दो सिक्के हैं मेरे दोस्तों, हाँ। मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप बंद करें, ठीक है, क्लोज करिए, ठीक है, मेरा हाथ खाली है, और यहाँ देखिएगा बस मैंने इनको टच किया ऐसे मुट्ठी, और एक सिक्का मैंने इनका निकाल लिया, आप देखिएगा, थैंक यू, देख सकते हैं दोस्तों यही है जादू, बिल्कुल, थैंक यू। बोलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो पे देख के क्या आपको सोचते हैं राय जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप जो जिन लोग को इनसे जादू देखना है या फिर जो लोग को इनको से प्रोग्राम कराना है, तो इन लोग सर का इंस्टा आईडी आपको दे देंगे, तो आप जरूर सर से संपर्क कर लीजिएगा। आई डी मैजिशियन आर एंजल, मैंने बताया मैजिशियन आर एंजल, आप इंस्टा आईडी पे जाएंगे और मुझे मैसेज करेंगे, मैं सब मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।